फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू गोभी। और ये आलू, इसके लिए मैंने काट लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो अभी लाल हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम, घी गर्म हो जाए तो जीरा डालेंगे। ये लिया है मैंने जीरा। गोभी में कुछ हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते, गरम मसाला तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, गर्मी आ चुकी है, ये चाट मसाला बस यही डालेंगे। और साथ में मैंने सफ़ेद चने बनाऊंगी थोड़े से। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा सफ़ेद चने बना देना गोभी के साथ। बाकी आप समझ ही जाइए बच्चों की डिमांड क्या होगी सफ़ेद चने के बाद में। बोले मम्मा पूरी खानी है। ये मैंने अभी 1 घंटा पहले भी भिगोए हैं फ्रेंड्स गर्म पानी में। बच्चों को ना बस जो मुंह से निकाल दो ना एक बार, उनकी डिमांड पूरी होनी ही चाहिए हर हालत में। अब देखो कैसे बनते हैं चने मेरे, ड्राई चने बनाऊंगी मैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा क्रैक हो गया, देखिए तेल गरम था ना। अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप बताइए कि कभी मैं लाइव आऊं। आजकल सभी लाइव आ रहे हैं तो मैं भी सोच रही हूँ अगर आप कहोगे तो मैं लाइव आऊँगी। मैंने ये ना 2 मिर्च वैसे डाल दी, ये सूख गई थी। इसमें बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा, करारा सा, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है तो ज़्यादा हम स्पाइसी नहीं खा सकते। गोभी को मैंने धो दिया था अच्छे से, इसमें मेहमान वगैरह कुछ नहीं निकले फ्रेंड्स। फिर मैंने इसको अच्छे से कपड़े से ढक दिया था ताकि मक्खियाँ ना बैठें ऊपर। मुझे मक्खियों से बहुत घिन आती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आलू भी मैंने धो लिए हैं, पानी में डुबोए हुए हैं, कि आलू ना काले पड़ जाते हैं। यहाँ हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन होने लगा है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, जला नहीं है फ्रेंड्स, वैसे कैमरे में दिख रहा है। इसमें हम डाल देंगे ये नमक शमक, मिर्ची, हल्दी, और फिर इसे अच्छे से हम घुमाएंगे। इसमें डाल देंगे हम अपनी गोभी। मसाला ना मैं अच्छे से भूनती हूँ फ्रेंड्स, ताकि सबको खांसी आ जाए, छींक छींक के बुरे हाल हो जाए। कई लोग ना फ्रेंड्स इसमें गोभी में टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं गोभी सिंपल सी बनाती हूँ, गोभी वैसे भी टेस्टी बनी जाती है। इसमें अदरक डालते हैं खूब सारा, आजकल अदरक ना अच्छा सा आ नहीं रही है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन वो ना जल्दी गल जाता है, अंदर से बड़ा अजीब अजीब सा गंदा गंदा सा रहता है। तो उसकी जगह ना मैं सौंठ पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, गोभी हमारी बन रही है। यहाँ मैंने चने उबालने के लिए रख दिए, छोटे वाले कुकर में बना रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़े से ही है जी, देखिए बड़ा वाला कुकर, वो बड़ा, वो मेरी सॉस की बोतलें, कोई रूह अफ़ज़ा, कोई जल जीरा, कोई ब्रह्मी, कोई बहुत सारी
बच्चों की अलग अलग डिमांड रहती है ना। देखिए फ्रेंड्स, चने मेरे उबल गए हैं, ये देखिए सब्जी बन गई मेरे गोभी की। फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम अपना जीरा। चने में भी हमने नमक फ्रेंड्स डाला हुआ है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और ये हल्दी। और फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे ये अपने प्याज और टमाटर कटे हुए। मैंने हरी मिर्च प्याज टमाटर काट दिया था मेरे बेटे ने ना, वो इसमें प्याज और टमाटर एक ही में मैंने काट के रखा था। अनु को मैंने बोला प्लेट के साथ ढक देना इसको, प्याज और टमाटर को। उसने पता क्या किया, जिसमें प्याज काटे थे ना और टमाटर काटे थे दो प्लेट में अलग अलग, उसने सारा सामान एक ही में कर दिया और जिस और दूसरी प्लेट से उसको ढक दिया, इसीलिए मैंने फिर ऐसे बना दिए। अब मेरी गर्मी में बार बार तो फ्रेंड्स ये नहीं करता कि तड़का दोबारा काटें, शुक्र है इसमें मैंने लहसुन नहीं काटा था। क्या करें, बेटे हैं ना मेरे, अगर बेटी होती तो वो समझ जाती कि प्याज और टमाटर अलग अलग रखने हैं, उन्होंने मिक्स कर दिए सारे। फ्रेंड्स, इसको ना हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ये कच्चा कच्चा ही रखना है, तभी ड्राई चने बनेंगे। पानी इसके अंदर का बिल्कुल सुखा देना हमने। इसमें मैं डालूँगी नींबू थोड़ा सा। फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चना मसाला और ये चाट मसाला डाल लेते हैं, अच्छा सा, थोड़े चटपट से ऐसे ही होते हैं क्योंकि आजकल टमाटर भी नहीं, ये रह गया। थोड़ी सी बिल्कुल सौंठ पाउडर डाल देते हैं क्योंकि चने और गोभी ना थोड़ी बादी करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने ना पानी डाला है, ज़रा सा, एक डेढ़ कड़छी डाला है, ये सूख जाएगा कि थोड़ी ना मुझे चने में थोड़ी कसर लग रही थी। और बच्चे मेरे बड़े नखरे वाले हैं, बेटे मेरे, उनको हर एक चीज़ ना जैसे उनके पापा बना के देते हैं ना परफेक्ट वैसी ही चाहिए। फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च, धनिया भी नहीं है फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा और चट्टा करने के लिए नींबू। नींबू में इतना फ्रेंड्स रसा नहीं होता जिसमें इतने बीज होते हैं, इसमें इतना मेरे हाथ पे कटा है तो लग रहा है। Thank you.
बड़ा लग रहा है। और देखो बीस बीस में गिर जाएंगे जी, फंस जाएंगे। नींबू डालने से ना इसमें बड़ा अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। ये नींबू में से बीज हटा के ना कितना अच्छा लग रहा है। एक नींबू बहुत होगा फ्रेंड्स, है ना, क्या कहते हैं आप लोग, बहुत होगा। ऐसा ना हो कि ज़्यादा खट्टा हो जाए, मैं खट्टा नहीं खाती फ्रेंड्स। पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन, अमीरी में मन लग मेरे यार गरीबी में, मन लग मेरे यार गरीबी में, मन लग मेरे यार गरीबी में। फ्रेंड्स आपको पता है ये जो नींबू है ना, ये मैं नींबू पानी वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे मैंने अभी ये निचोड़ा नींबू, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बड़ा अच्छा इससे ना नींबू का अचार बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं यही वाला अचार खाती हूँ नींबू का, मैंने नींबू का अचार डाला हुआ है, लेकिन कुछ भी वेस्ट मत जाने दो फ्रेंड्स, बहुत महंगाई है। फ्रेंड्स डिब्बे में आम का अचार ख़त्म है, वो डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा नींबू का अचार थोड़ा सा रह गया, वो ये मैंने डाला था भर के, मीठा अचार है ये नींबू का। आम का अचार भी डालने वाला है, पूरा साल तक के लिए डालूँगी। 5 किलो आम लूँगी तो डालूँगी फ्रेंड्स। अनु अचार वाला डब्बा कितनी है, आमरे अचार वाला अचार उल्टाना उस विच थोड़ा जा। सॉरी नींबू के अचार का डब्बा तो धोया हुआ है, आम के अचार का डब्बा ये रहा। ये देखिए इसमें आम का अचार कम और तेल तेल ज़्यादा है, तो इसमें अचार उल्टा लेती हूँ थोड़ा सा। अचार मैंने निकाल लिया है, डिब्बे में डाल लिया फ्रेंड्स। ये जो मैंने नींबू का अचार डाला हुआ है वो खट्टा मीठा अचार है ये फ्रेंड्स। ये अचार मैंने डाला हुआ है, छिलके वाला अचार नहीं जो निचोड़ती हूँ, ये मैंने सर्दियों में डाला था, पर मैं वो भी वेस्ट नहीं जाने देती फ्रेंड्स, क्योंकि दिन में रोज़ के 8-10 नींबू तो लग ही जाते हैं फ्रेंड्स, नींबू पानी बनाने में, सैलड में काटने के लिए। और मेरे बेटे को बड़ी आदत है अनु को, वो पता क्या करता है, वो ना अपनी सब्जी में नींबू निचोड़ लेता। देखिए चने मेरे बन चुके हैं, जो इसमें पानी था वो एकदम सूख चुका है। ये बने मेरे फ्रेंड्स ड्राई चने, इसमें कच्ची कैरी भी डाल सकते हैं चटपटेपन के लिए, लेकिन कच्ची कैरी दो ही पड़ी है और मेरे हस्बैंड को शाम को खानी है वो, कि वो ना सलाद में खाते हैं चबा चबा के। फ्रेंड्स चने मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए बच्चों के, और मैं गूंद रही हूँ पूरी का आटा। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और ये अजवाइन और डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची।
आटा मैंने गूंद लिया फ्रेंड्स, पेड़े बना रही हूँ मैं। घी भी रख दिया, ये देखिए फ्रेंड्स, आप बोलिएगा मत कि मेरी कढ़ाई काली है। कोई ये जो कढ़ाई है ना, ये फ्राई करने वाले जो चीज़ें रहती हैं, ये फ्राई वगैरह करने के लिए रहते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन हुई नहीं है। अगर किसी के पास आइडिया होगा ना इसको साफ़ करने का, तो प्लीज़ बताइएगा। इसमें मतलब फ्राई करने वाली चीज़ें बनाते हैं, जैसे समोसे वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, पूरी वूरी, पकौड़े वकौड़े इसी में बनते हैं। एक बड़ी कढ़ाई है मेरे पास, वो देखिए, ये नॉन स्टिक वाली है, लेकिन वो छोटी पड़ जा रही है। एक वो रही फ्रेंड्स जिसमें सब्जी बनाई है। कढ़ाइयाँ तो मेरे पास चार पाँच हैं। गर्मी की वजह से ना पूरियां चिपकने लगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो तो मेरी सुबह से बन रही थी, लेकिन मैं बहुत बिजी थी। आज बच्चों की मनपसंद नाश्ता बन रहा है। बच्चों को एक बार बोल दो ना कि ये बनाना है, तो उनको बस वो चाहिए ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मेरा क्या हाल है, पसीने से मैं तर बतर हूँ। ये देखिए तनु करने लगा नाश्ता। ये देखिए जो मैंने गोभी बनाई थी और चने बनाए थे। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने चने बनाए थे और वो गोभी, और ये रहे चने, दही भी है साथ में। मैंने बोला था बूंदी डालने, बोले रहने दो बूंदी डालने के लिए ऐसे ही। तो अनु बैठा है नाश्ता करने, तनु गया हैंड वॉश करने, वो भी आ जाता है। फ्रेंड्स मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। ये दही, ये ड्राई चने, ये गोभी, और ये मेरा फेवरेट नींबू का अचार, और दो पूरी मैं खाऊंगी, बाकी मैं खाऊंगी फुलके। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ शेयर करके बताइएगा, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने रिलेटिव के पास। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे साथ फ्रेंड्स नाश्ता कीजिए। ये लीजिए पहली कोर आपके लिए फ्रेंड्स, आप भी कीजिए नाश्ता और मेरे चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए। लव यू लॉट, बाय बाय, टेक केयर।